एक तरफ जहां गाजा के भीतर राफा शहर में हमास ने आईडीएफ के खिलाफ मोर्चा बंदी कर दी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इसराइल पर लेबनान का हिजबुल्ला मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन बरसा रहा है। उत्तरी बॉर्डर पर हालात इतने खराब हो गए हैं कि जो सेटलर्स यहां रहा करते थे, अब उनके मन में यहां वापसी का नाम आते ही वो सहम उठते हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह हिजबुल्ला के भीषण हमले हैं, जिनमें इजरायली फौज के आधे से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला दिया है। हिजबुल्ला हर एक सेकंड में उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर गोले बरसा रहा है और अब एक बार फिर से उत्तरी इसराइल के ताबराया शहर के पश्चिमी इलानिया बेस पर हिजबुल्ला ने ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने यहां पर इसराइल के एयरफोर्स सर्विलांस और डिटेक्शन सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया है। हालांकि हिजबुल्ला ने इस हमले को सीमित बताया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हमले के अलावा हिजबुल्ला ने रस अल नकौरा मिलिट्री साइट पर इसराइल के जासूसी उपकरणों को भी उड़ा दिया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कब्जे वाले फार चौबा हिल्स में आईडीएफ के अल समाका मिलिट्री अड्डे पर भी सीधा हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने आईडीएफ के जासूसी उपकरणों पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें शिबा फार्म्स में आईडीएफ के रडार सिस्टम पर हमले की बात कही गई है। हिजबुल्ला के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे उसके लड़ाके आईडीएफ के जासूसी सैन्य अड्डे पर एक के बाद एक रॉकेट दाग देते हैं, जिनमें जोरदार धमाके होते हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त हिजबुल्ला इसराइल के जासूसी उपकरणों पर हमले कर रहा था, उस वक्त अल कासिम ब्रिगेड्स के लड़ाके दक्षिणी लेबनान से लिमान गेट पर हमला कर रहे थे। लिमान गेट कब्जे वाले फिलिस्तीन के तट पर स्थित है। इस हमले को लेकर अल कासिम ब्रिगेड्स का कहना है कि उसने यहां पर मिसाइलों का एक पूरा साल्वो ही दाग दिया था। वहीं दूसरी तरफ 14 मई 2024 को भी हिजबुल्ला ने आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा अटैक किया था। हिजबुल्ला ने इस हमले में आईडीएफ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी थी और इस हमले में इसराइल का एक सेटलर भी मारा गया था जो आईडीएफ की मदद कर रहा था। यह हमला एक एंटी टैंक मिसाइल से किया गया था। पहले हिजबुल्ला ने सेटलर और सैन्य अड्डे को चिन्हित किया और फिर उसके ऊपर हमला कर दिया।